अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईटैची E10 किंग इसकी फ्लैश फाइल, बूट की और पासवर्ड कैसे अनलॉक किया जाता है, ये आप आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके पास SPDE के USB ड्राइवर और मेरिकल का क्रैक होना ज़रूरी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आपने इंस्टॉल कर लेने हैं और मेरिकल का क्रैक आपने ओपन कर लेना है। ये आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है। अब हमने जाना है SPDE वाले खाने में। यहाँ पे ऊपर बॉक्सेस बने हुए हैं MTK के साथ वाली जो टैब है SPDE, इसके ऊपर क्लिक करनी है। और ये मैं रीड के ऊपर ऑलरेडी चेक लगी हुई है। नीचे हमने बूट की जो बूट सेलेक्ट करनी है वो 6631E है, SPDE 6631E। इसके बाद हमने स्टार्ट का बटन दबा के मोबाइल कनेक्ट करना है। दोस्तों, मोबाइल SPDE का जब हो तो फिर उसकी बूट की भी होती है, तो बूट की कैसे ढूंढी जाती है मोबाइल से, ये भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। या अगर आप बूट की से बचना चाहते हैं तो आप बूट जिग बना लें। बूट जिग कैसे बनाई जाती है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अब दोस्तों, ये मैंने कनेक्ट किया है तो कोई एरर आ गया है, मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। स्टार्ट का बटन दबा दिया है तो मोबाइल जब भी कनेक्ट करना है, मोबाइल से बैटरी निकाल के फिर डाल के फिर बूट की उसकी दबा के फिर मोबाइल को USB केबल लगानी है। तो ये अभी आप देख सकते हैं मैंने दोबारा से केबल लगाई है तो ये रीडिंग शुरू हो गई है और ये हमारे पास फाइल रीड होके आ गई है। तो अब इसको मैं रीनेम करके सेव कर लेता हूँ ताकि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकूं, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लिया है। अब दोस्तों, इसका पासवर्ड अनलॉक करना है तो पहले जब रीड के ऊपर थी, अब RD अनलॉक के ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ पर 6631E ही रहने देना है और स्टार्ट का बटन दबा देना है। तो फिर से मैं बैटरी निकाल के डाल के फिर केबल लगाता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ कंप्यूटर के साथ। तो ये आप देख सकते हैं मोबाइल कनेक्ट हुआ जैसे ही, तो ये अभी थोड़ी देर में कोड भी आ जाएंगे। तो दोस्तों, आपके सामने भी ऐसे ही कोई कोड आ जाएंगे तो जो आपके मोबाइल का कोड होगा वो आप यहाँ पर देख के लगा सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये दोस्तों सिर्फ इस मोबाइल की नहीं है, हर SPDE वाले मोबाइल 6631 वाले CPU की है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।